हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मेरा नाम है मीनल जाडेजा। आज हम सिंह स्टेट के आई माउली मंडल में आए हैं, जिसके ऑर्गेनाइजर सचिन नांदगांवकर जी है, जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब गरबा खेलने आए हैं। कोरोना के 2 साल बाद नवरात्रि का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो लोगों में इतना उत्साह देखने मिल रहा है। चलिए जानते हैं सचिन नांदगांवकर जी से कि उन्होंने इस आयोजन में कितने दिन पहले से तैयारी करना शुरू किया होगा। चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले तो सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं, जय माता दी। ये नवरात्रि का आयोजन हम लगभग 13 साल से कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका शुरुआत पूरा मंडल के लड़के लोग वगैरह सब, लेडीज लोग वगैरह सब एक मिल के, सब मिलजुल के इसका आयोजन करते हैं। इस आयोजन में क्या प्रोसेस रहता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने दिन पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती है? नहीं, इसके आयोजन में कम से कम 1 महीने से प्रोसेसन पूरा तैयारी चालू हो जाती है। सब यहाँ से डेकोरेटर का, मंडप का, सब देवी बुक करने का, सब यहाँ पे काम चालू रहता है। तो वहाँ से सब कार्यक्रम जो भी आयोजन करते हैं यहाँ पे, उसका पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो शेड्यूल के हिसाब से पूरा एक कार्यक्रम का नियोजन होता है। इस कार्यक्रम में कितने लोगों की मेहनत होती है, कितने लोग आपके साथ यहाँ पे? तो सब मंडल के लड़के लोग की बहुत रहते हैं, और सब मंडल के लड़के लोग, मंडल की महिला सदस्य सब यहाँ पे पूरा योगदान अपना देते हैं। कोरोना के 2 साल बाद कर ये आयोजन होने हो रहा है, तो लोगों में कितना उत्साह आपको देखने मिल रहा है? कोरोना के 2 साल बाद ये आयोजन आपको देखने कर रहे हो, तो लोगों में कितना उत्साह? इसका कोरोना के बाद में बहुत बहुत गति से इसका देखना पड़ रहा है, क्योंकि हर लोग 2 साल के बाद, कोविड के बाद में अभी सब आए हैं बाहर, और दिल खोल के गरबा खेल रहे हैं और दिल खोल के पूरा आयोजन कर रहे हैं। इसका बहुत सबसे खुशी का त्यौहार हो रहा है।